तो सबसे पहले पहले शायरों के लिए एक शेर है कि सब कुछ हर कोई लिखता ही रहता है कि कितने ही लिख दिए और कितने ही तैयार रखे हैं, कि कितने ही लिख दिए और कितने ही तैयार रखे हैं, तुम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, किताब में अपने हमने शेर बेशुमार रखे हैं। अभी वैसे तो लिख नहीं सकते माँ के लिए, फिर भी कोशिश की है, लिखी कि वो खुद नहीं आ सकता हर जगह, इसलिए अपनी परछाई के रूप में माँ तुझे बनाया है, कि वो खुद नहीं आ सकता हर जगह, इसलिए अपनी परछाई के रूप में माँ तुझे बनाया है। जब भी करी खुदा की इबादत खुदा को देखने के लिए, खुदा ने हमेशा मुझे खुदा की जगह बस माँ एक तेरा ही चेहरा मुझे दिखाया है। सादगी में रहना पसंद था मुझे, अब सजने सवरने लगी हूँ, कि सादगी में रहना पसंद था मुझे, अब सजने सवरने लगी हूँ, पागलपन है या असर है तेरे इश्क का दीप, कि मैं अब खुद से शीशे में बात करने लगी हूँ। लिखकर बयान कर दे पन्नों पर तेरे लिए मोहब्बत, कि लिखकर बयान कर दे पन्नों पर तेरे लिए मोहब्बत, हमारे पास वो हर्फ ही कहाँ हैं, खुदा और तुम में कोई फर्क ही कहाँ है। कि एक कब तक यूं ही बरसेंगे काले बादल, कब तक मिट्टी से खुशबू छूटती रहेगी, कब तक यूं ही तरसेंगे काले काजल, कब तक आंखों से कालिक छूटती रहेगी, कब तक उन्हें अपना काम छोड़ मनाते रहेंगे, कब तक उन्हें हम समझाते रहेंगे, बता दीप तुझसे लड़की कब तक यूं ही रूठती रहेगी। तेरी उंगलियों का मेरे बालों पर चलना ऐसे जैसे झील में नाव हो, तेरी सांसों का मेरे गालों पर पड़ना ऐसे जैसे धूप में छाँव हो, तू वो ताबीज है जो बुरी नज़र से बचाता है, तू वो धागा है जो मन्नत के लिए कलाई से बांधा जाता है, तू वो फूल है जो हवा में खुशबू फैलाता है, तू वो बादल है जो बंजर जमीन पर पानी बरसाता है, तू वो पेड़ है जो छाँव में धूप में आंचल बन जाता है, तू वो जंगल है जो पतझड़ में भी हरा हो जाता है, तू ही तो वो किताब है जिसे पढ़ कर दीप हर महफिल में शायरी सुनाता है। कि हर बार ही अच्छा लिख जाए इंसान है कोई खुदा थोड़ी है, कि हर बार ही अच्छा लिख जाए इंसान है कोई खुदा थोड़ी है, कि मैं तुम्हें पसंद ही आए तुम्हारी रूह तक उतर जाए, कि तुम्हें पसंद ही आए तुम्हारी रूह तक उतर जाए, बस एक शायरी तो है दीप कोई उसने अदा थोड़ी है। एक ये है कि तेरा साया कब दूर होगा मुझसे, तेरी याद आनी कब बंद होगी, कि महफिल साहब में तेरी याद सुनानी कब बंद होगी, तेरा साया कब दूर होगा मुझसे, तेरी याद आनी कब बंद होगी, कि महफिल शाम में तेरी याद सुनानी कब बंद होगी, यह अकेलापन काट रहा है मुझे, मुझसे वक्त तो छोड़ो एक दिन ठीक से काटा नहीं जाता, कि बता ऐ खुदा मेरी जिंदगी की घड़ी सुइयां कब बंद होंगी। ऐसा लगता है जैसे कोई सांसें खींच रहा है, जैसे परिंदे का कोई शिकारी गला भींच रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई सांसें खींच रहा है, जैसे परिंदे का कोई शिकारी गला भींच रहा है, मुझे ये बता कि तेरे नाम की आनी ये हिचकियाँ कब बंद होंगी। एक ये है कि कब दूर हुई है तेरी तस्वीर मेरी आँखों से, कब आईने से अक्स दूर होता है, कि कब दूर हुई है तेरी तस्वीर मेरी आँखों से, कब आईने से अक्स दूर होता है, बचपन गुजरा है मेरा जहाँ मेरे दिल से मेरा वो गाँव कहाँ दूर होता है, कि बचपन गुजरा है मेरा जहाँ मेरे दिल से वो मेरा गाँव कहाँ दूर होता है, प्यार दुलार ममता मीठी फटकार क्या होती है, कि प्यार दुलार ममता मीठी फटकार क्या होती है, कभी पूछना उस बच्चे से जिससे माँ का आंचल दूर होता है। एक है कि सादगी के अंदाज में पसंद हो, कि सादगी के अंदाज में पसंद हो, नाराजगी के मिजाज में पसंद हो, तुम जैसी हो वैसी रहो मेरी जान, क्योंकि तुम मुझे हर लिबाज में पसंद हो। एक लास्ट शेर सुनाता हूँ कि खुद को कभी अच्छा नहीं हमेशा बुरा ही बताते हैं, कि खुद को कभी अच्छा नहीं हमेशा बुरा ही बताते हैं, पर जब भी उस खुदा की इबादत में सर झुकाते हैं, हम बददुआ देने वालों के लिए भी दुआ ही करके आते हैं, दुआ ही करके आते हैं। थैंक यू।